ब्रो बोट निकलने से पहले ही डूब गया, क्योंकि सामने वाला जो था वो पहले ही चढ़ गया बोट में, तो वो एरिया से पानी पहले अंदर आ चुके, फिर सारा बोट में फैल गया पानी। फिर उस तरह से फिर बोट को खींच के बाहर लेके आया, पानी खाली करके फिर जाएंगे वापस, इसको ट्रायल में देना है। देखते बने रहे सब में। आपते आपते तरह से फेल जो गए अंदर, बहुत ही खराब तरीका था। बोट निकलने से पहले ही आदमी चढ़ गया, इसलिए पानी इसका अंदर पूरा चढ़ गया। फिलहाल अभी ये बोट वापस आ रहा है, तो पानी खाली करके फिर अंदर जाएगा। प्री फाइनल जा रहे हैं। हाँ हाँ मैच बुलडोजर आया है यार, यहाँ का मिट्टी लेवल करने के लिए, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है बोट को उठा के लेके जाने, इतना लंबा बोट। तो बने रहे साथ में। किरान मेरा
हाय ब्रो वेलकम। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो होड़ी रेस का, वो था खकना विलेज का। अब ये मेरा विलेज से बिलोंग करता है ये सारा बोट। आज का दिन में जो टेस्टिंग करेंगे मंडे और ट्यूसडे के स्पोर्ट्स के लिए, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे दो होड़ी है। एक का भी टेस्टिंग हो चुका है, वो अंदर लेके आ गया। और ये जो होड़ी है ये तरफ वाला, ये चैंपियन होड़ी है, किचा चरेलू बोलते हैं। कंटिन्यूसली 2 साल इसने जीत हासिल की है इस ओपन सी कैनोइंग रेस में, अंडमान निकोबार कार निकोबार के अंदर में। तो बहुत ही पुराना बोट है ये,